हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेह से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल। जगविंदर, स्वागत है आपका। लेकिन लेह में आप मौजूद हैं, सीमा पर तनाव अब भी कायम है। आप लेह में क्या देख रहे हैं, क्या वहां भी टेंशन इस वक्त आपको साफ दिखाई दे रही है? बिल्कुल, एक अजीब सी खामोशी है इन पहाड़ियों में। उस तनाव की आहट साफ सुनी जा सकती है। इस वक्त मैं लेह में मौजूद हूं। बिल्कुल सही कहा आपने रूबिका। और यहां से अगर हमने पेंगोंग लेक वगैरह जाना होता था तो पहले आमतौर पर वो टूरिस्ट प्लेस हैं और वहां पर जाने की इजाजत मिल जाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन से एक परमिट लेना होता था। लेकिन अब 20 किलोमीटर के बाहर के दायरे के आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेह में आप 20 किलोमीटर के दायरे में ही रह सकते हैं। आज हमने कोशिश की पेंगोंग लेक की तरफ जाने की, लेकिन हमें रास्ते से सेना के जवानों ने वापस दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई ऐसा आदेश नहीं है, लेकिन आगे जाना आम आदमी के ठीक लिए नहीं है, इसलिए हम जाने की इजाजत नहीं दे रहे। हम दुर्बुक रोड पर भी जाना चाहते थे, लेकिन वहां जाने की भी इजाजत नहीं मिली, क्योंकि रूबिका जो असल झगड़ा है वो ले से जो दुर्बुक होते हुए श्योक से दौलत बेग रास्ता जा रहा है, जो रास्ता बनाया है भारत की ओर से, भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने, उस रास्ते को लेकर ही ये बखेड़ा खड़ा हुआ है। इन पहाड़ियों को चीरते हुए भारतीय सेना कैसे चीन की उस LAC के साथ साथ घूमेगी, इसको लेकर चीन परेशान है। और ये 250 किलोमीटर का जो रास्ता है, सड़क है 255 किलोमीटर की, इसके कारण ही पसीने छूटे हुए हैं चीन के। और श्योक रिवर के ऊपर जो पुल बना लिया है भारत ने, वो भी उससे हजम नहीं हो रहा। दूसरा, भारत के जो पेट्रोल जाते थे पेंगोंग लेक के साथ साथ, SRP LRP लॉन्ग रेंज पेट्रोल होता है और शॉर्ट रेंज पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल के लिए भी एक अलग से जो 8 फिंगर्स हैं उनके साथ साथ जो रोड बनाया जा रहा था उसको लेकर भी परेशान हो गया चीन। यही वजह है कि अब इन वादियों में खामोशी है, बहुत ज्यादा खामोशी है, लेकिन एक तनाव है। और ऐसा लग रहा है कि अगर ये मसला जल्दी नहीं सुलझा तो ये तनाव और लंबा खिंचेगा। टेंशन साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 20 किलोमीटर के दायरे के आगे आप जा नहीं सकते हैं। जगविंदर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। कुछ और सवाल है जिनके जवाब हमें तलाशने, लेकिन गलवान घाटी में हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन मौत से जूझते वक्त भी वो हिंदुस्तान का माथा और ऊंचा कर गए हैं। जवानों की शहादत के बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या हमारे जवानों के पास बंदूकें नहीं थी, या उन्हें निहत्ता ही चीन के सैनिकों के बीच भेज दिया गया था। यही सवाल आज राहुल गांधी ने भी उठाया और पूछा भी, और यही वजह है कि इसका जवाब आया। राहुल गांधी को जवाब दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये जवाब जानकर आपको देश के वीर सपूतों और उनके परिवारों पर और भी गर्व होगा, क्योंकि भारतीय सैनिक चाहते तो चीन की चालबाजी का सबक उसे अच्छे से सिखा सकते थे, लेकिन चीन और भारत के बीच जो संधि हुई उसे आखिरी दम तक हमारे सैनिकों ने माना, लेकिन यह संधि हमारे जवानों की जान से बढ़कर नहीं है, और इसीलिए सरकार इसे खत्म करने का विचार कर रही है। क्या है वो समझौता जिसने हमारे सैनिकों के हाथ बांध कर रखे हैं, और सरकार क्या करने जा रही है? ये रिपोर्ट देखने से पहले आप 4 हेडलाइंस देख लीजिए। भारत ने फिर कहा राष्ट्रीय अखंडता से समझौता नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है देश। गलवान विवाद पर भारत चीन में आज फिर मेजर जनरल लेवल की बैठक हुई, कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। चीन की जो कंपनियां हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम चल रहा है। रेलवे ने 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने चीन के सामान की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल होंगी। कल 5 बजे ये बैठक होनी है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये धक्का मुक्की का दौर जो कि इतना घाटा खोल गया है, अब ये नहीं चलेगा। संयम की आवश्यकता नहीं है, हमको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली से हुक्म आएगा तो गोली चलाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और एक भी गोली नहीं चली, ऐसा क्यों? ऐसा हुआ एक संधि के कारण, जिसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन चीन से खूनी संघर्ष के बाद
भारत ये संधि खत्म कर सकता है। इसे समझने के लिए आप एक वीडियो देखिए। ये वीडियो कब का है और कहां का है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन गौर कीजिए, ये भारतीय सैनिक है, कंधे पर राइफल है लेकिन उसकी नली नीचे है, यही संधि है। अब इस भारतीय सैनिक को देखिए और राइफल की पोजीशन देखिए। इसे देखिए, यहां भी राइफल की नली नीचे है। चीन के सैनिकों को भी देखिए, उनके कंधे पर भी जो हथियार हैं, उनकी नली नीचे की ओर है। विरोध हो रहा है, फेस ऑफ जारी है, बैनर के जरिए अपनी बात कही जा रही है, सैनिकों के कंधे पर हथियार हैं, लेकिन उनकी पोजीशन नीचे है। यही है भारत और चीन के बीच 1996 में हुई संधि, जिसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष के बाद चीन की दादागिरी का जवाब अब बैनर दिखाकर नहीं दिया जाएगा, ना ही अब अधिकारी अपने जवानों को पीछे हटने के लिए कहेंगे। चीन के सैनिकों को पकड़ने के लिए पकड़म पकड़ाई भी नहीं होगी। हो सकता है कि अब भारतीय सेना फैसला ऑन द स्पॉट करे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कल ही चीन की सीमा पर सेना को खुली छूट दे दी थी, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही भारत और चीन के बीच हुई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट संधि को भी खत्म किया जा सकता है। चीन और भारत के बीच ये संधि 29 नवंबर 1996 को हुई थी। उस समय जियांग जेमिन्स चीन के राष्ट्रपति थे और एचडी देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के 7 अध्याय हैं, जिसके मुताबिक एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में गोली नहीं चला सकते, सैन्य तैनातनी के बीच बम धमाके भी नहीं कर सकते, एलएसी पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पाबंदी है, एलएसी पर तोप, टैंक, मोर्टार और मिसाइल नहीं ला सकते, बड़े स्तर पर सेना के युद्ध अभ्यास करने पर भी पाबंदी है, साथ ही एलएसी के 10 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के उड़ान पर भी रोक है। एक्चुअली जो पीएलए है वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो उन्होंने ये धोखा दिया है, उन्होंने ये स्टेटस को बदलने की कोशिश की है। चीन जानता था कि एक बार संधि टूटी तो भारतीय सैनिक भी उसी अंदाज में जवाब देंगे, इसलिए चीन के सैनिकों ने हाथ से बनाए हुए ऐसे हथियारों से हमला किया। लकड़ी के बल्ले में कटीली तार बंधी हुई मिली, लकड़ी में ही कीलें लगी हुई थीं। गलवान घाटी में इन्हीं हथियारों से भारतीय सैनिकों पर हमले किए गए। 1996 में मिलिट्री फील्ड में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की संधि इसलिए की गई थी ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी सैनिक की जान ना जाए, लेकिन गलवान घाटी में जिस तरह से चीन ने धोखा दिया और हिंसक संघर्ष हुआ, उसके बाद से इस एग्रीमेंट के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। मतलब संधि की जिस जंजीर में भारतीय जवान बंधे थे वो टूट सकती है, इसके बाद क्या होगा वो समझना मुश्किल। जो लक्ष्मण रेखा चाइना और पीएलए ने क्रॉस की है उससे जो अभी बांध टूटेगा ना, बिल्कुल अलग तरीके का होगा। पहले जो हम थोड़ा धैर्य करते थे, कहते सोचते थे कि सेंसिटिव पॉइंट है, नहीं बोलना चाहिए, जिस प्रकार तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग, उगर, अभी इसके ऊपर में कोई रोक नहीं है। और मेरे को पूरा यकीन है 1.23 बिलियन पीपल इसके अंदर में शामिल है। जो लड़ाई होती है ये ऑल गवर्नमेंट, ऑल नेशन और हर एक व्यक्ति की, पूरे समाज की होती है। और इसमें जो आवाजें उठ रही हैं बायकॉट, बैन, ये चाइना को एक बार मालूम लग जाएगा कि भारत क्या है, किसके साथ में उसने ये उल्लंघन किया है। चीन से खूनी संघर्ष के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हमारे जवानों को इतनी बर्बरता क्यों झेलनी पड़ी, यही सवाल राहुल गांधी ने आज सरकार से पूछा। चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया, ट्वीट किया,
तथ्यों को सीधा रखते हैं, सीमा पर सभी सैनिक हमेशा हथियारबंद होते हैं, खासतौर पर पोस्ट छोड़ते वक्त। गलवान घाटी में 15 जून को भी जवान हथियारों के साथ ही गए थे। 1996 और 2005 के समझौते के अनुसार ये प्रथा चली आ रही है कि फेस ऑफ के दौरान फायरिंग नहीं की जाती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस ट्वीट से साफ है कि गलवान घाटी में जब चीनी सैनिकों ने हमला किया तब भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे। भारतीय सैनिक चाहते तो चीनी सैनिकों पर फायरिंग कर सकते थे, मगर भारत के जांबाजों ने दोनों देशों के बीच हुई संधि का सम्मान किया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर मुश्किल हालात में भी देश के वचन की रक्षा की। और जैसा कि आप जानते हैं, लेह से जगविंदर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगविंदर, 15 जून की जो झड़प हुई उसके बाद कल भी भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई, आज भी हुई, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई है। आज भी जैसा मैं कह रही हूँ नहीं हुआ है। आपके पास इसे लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट है क्या? वो जो PP-14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, वहां पर दोनों सेना क्या अभी भी आमने सामने है? देखिए, अब हालात बदल चुके हैं, हमें ये समझना होगा। 15-16 की रात के बाद हालात बदले हुए हैं, इसलिए चाहे किसी भी स्तर पर बातचीत हो वो इतनी जल्दी सिरे नहीं चढ़ सकती है। ये कहाँ का असूल हुआ कि आपको हमारी पेट्रोल भी गवारा नहीं है, आपको हमारा आगे बढ़ना या हमारा अपने आप को डिफेंड करना भी गवारा नहीं है, दूसरी तरफ आप 6,000 ट्रूप्स जो है वो लाकर बिठा देते हो, आप वहां पर टेंट गाड़ने शुरू कर देते हो, आपकी आर्टिलरी वहां पर आ जाती है, आपके लड़ाकू वाहन वहां पर पहुंच जाते हैं, आपकी एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच जाती हैं। सैटेलाइट पिक्चर बहुत कुछ बताती हैं कि ये बड़ा प्लान था, क्योंकि 5-6 तारीख से यहां पर नोकझोंक चल रही थी और उसे देखते हुए चीन ने पूरी तैयारी कर ली थी। भारतीय उस हिसाब से नहीं गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे, और उन पर जिस तरह से हमला किया गया, जितनी उनकी तैयारी थी उससे यह साफ हो जाता है कि अब शर्तें बदल गई होंगी। अब देखिए, हमारे 20 जवान बीच में हैं, ये हालात बदले हैं, इन बदले हुए हालातों में कोई भी मसौदा इतनी जल्दी सिरे नहीं चढ़ेगा। दूसरी तरफ से पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया है और उन्हें लगता है कि कब तक हमारे जवान शराफत में इस तरह से मरते रहेंगे। जिस तरह का जुल्म हुआ है, पत्थर मारकर मारा जाना, ये कोई लिंचिंग से कम है क्या? जिस तरह से पत्थर मारे जा रहे हैं, आप रॉड्स के ऊपर तार कंटीली बांध के आते हो, उससे मारते हो, आपकी पाइप, जगविंदर ये कह रहा है ना कि हमें 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 इन तमाम सवालों का जवाब चाहिए, पीरियड।